संत शिरोमणि अपने भगवान को सर्वांग सजाए रहे हैं। नूतन नूतन वस्त्राभूषण प्रेम सहित पहनाए रहे हैं। दासी राम सिया को राजा रानी बनाए रहे हैं। दास और दासी राम सिया को राजा रानी बनाए रहे हैं। मैया, एक प्रश्न पूछूं? ऐसी क्या बात है बजरंगबली, जिसे पूछने के लिए तुम्हें अनुमति लेनी पड़ रही है? मैया, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। आप अपने मांग में ये कौन सा चूर्ण डालती हैं? चूर्ण? ये चूर्ण नहीं है, ये तो सिंदूर है। इससे क्या होता है मैया? इससे मेरे स्वामी प्रसन्न होते हैं। अच्छा मैया, ये प्रभु को भाता है? ये उन्हें बहुत भाता है, और इसके अतिरिक्त इसे लगाने से उनकी आयु बढ़ती है। प्रभु की आयु भी बढ़ती है? इसमें कोई चमत्कार है क्या? इसमें तो बहुत बड़ा चमत्कार है। यही तो वो वस्तु है जिसके कारण मेरा जीवन सार्थक हुआ है। देखने में तो बिल्कुल साधारण लगता है। यदि मांग में लगाई हुई पतली सी रेखा से प्रभु इतने प्रसन्न होते हैं और उनकी आयु में वृद्धि भी होती है, तो यदि मैं इसे पूरे शरीर में मल लूं, तो वे तो बहुत अधिक प्रसन्न हो जाएंगे और उनकी आयु भी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। ऐसा ही करता हूं। क्या बात है, माता जानकी की मांग में तो ये सिंदूर रुक जाता है, फिर मेरे शरीर पर क्यों नहीं रुकता? सीते, आज हनुमान नहीं दिखाई दे रहे? हमारे कक्ष में होंगे, आज वो सिंदूर का कौतुक कर रहे हैं। सिंदूर का कौतुक अर्थात? आज जब मैं मांग में सिंदूर लगा रही थी, लोकलाज को त्याग।
इतना ढेर सारा सिंदूर देखकर आज प्रभु कितने प्रसन्न हो गए हैं। निश्चित ही उनकी आयु भी बढ़ गई होगी। अब मैं सदा सिंदूर का प्रयोग करके प्रभु को प्रसन्न रखा करूंगा। हनुमान, ये कौन सी लीला रच रहे हो? प्रभु, ये मेरी लीला नहीं है, ये तो मैया का दिया हुआ ज्ञान है। प्रभु, आपको खुश करने के लिए ही मैंने अपने शरीर पर सिंदूर लगाया है। आप प्रसन्न है ना? तुम्हारी मैया सीता ने तुम्हें क्या बताया है? मैया ने कहा कि उनकी मांग में सिंदूर लगा देकर प्रसन्न होते हैं और आपकी आयु भी बढ़ती है। तो मैंने सोचा कि सिंदूर की एक पतली रेखा से आप इतने अधिक प्रसन्न होते हैं और आपकी आयु भी बढ़ती है, तो पूरे शरीर पर सिंदूर मल लेने से आप कितने अधिक प्रसन्न होंगे और आपकी आयु और भी अधिक बढ़ जाएगी। इसी कारण घी में घोटकर सिंदूर मैंने अपने पूरे शरीर पर लगा लिया। हनुमान, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुम भक्त शिरोमणि हो, तुमने भक्ति और सेवा के नए मानदंड स्थापित किए हैं। विश्व में जब भी कहीं भक्ति की बात चलेगी तो तुम्हारा नाम सबसे पहले लिया जाएगा। आज मंगलवार के दिन तुमने मेरी प्रसन्नता और लंबी आयु के लिए ये लीला की है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आज के बाद जो कोई भी मंगलवार के दिन बजरंग बली को सिंदूर का चोला चढ़ाएगा या चोला चढ़ाने में सहायता करेगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। वो बजरंग बली की कृपा तो प्राप्त करेगा ही, साथ ही वो मुझे भी प्रिय होगा। जय श्री राम।